हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू बीकेबी माय एजुकेशन एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर द शो। आज हमारे साथ हैं एनएलपी कोच, एजुकेटर, पब्लिक स्पीकर मिस रुतिका मेशकर। रुतिका, वेलकम टू आवर शो, वेलकम टू आवर स्टूडियो वंस अगेन। जिन्होंने, दर्शकों ने मिस किया होगा हमारा अर्लियर एपिसोड, द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बीकेबी माय एजुकेशन, वो यूट्यूब पे लॉग इन करके देख सकते हैं। फर्स्ट एपिसोड वॉज ऑल अबाउट आजकल लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। Rutika has come up with a very easy technique called NLP technique. NLP technique से आप English जो है, अंग्रेजी भाषा, बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। आज का जो हमारा subject है, that is 9 ways, या फिर we can say that how to future proof your career. Career एक ऐसा option या career एक ऐसी चीज़ जो आजकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक सोचने का विषय बन चुकी है। Because there was a time I still remember when I was in college, when I passed out my 10th, हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस हुआ करते थे दैट इधर ये करना है, इधर वो करना है। लेकिन टुडे वी हैव इन्यूमरेबल ऑप्शंस, इतने ऑप्शंस हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। अब सिलेक्ट करने के बाद आपके करियर को फ्यूचर प्रूफ कैसे किया जा सकता है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं रुतिका से। रुतिका, वंस अगेन वेलकम। एंड फ्यूचर प्रूफ करना करियर को, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? जैसे कि व्हाट यू टोल्ड इज रियली राइट कि पहले ऑप्शंस कम थे, बच्चे ने या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, हमारे टाइम पे वही होता था। बट अभी इतने ऑप्शंस हो गए, यू कैन बी कोरियोग्राफर, यू कैन बी सिंगर, सब कुछ। बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी चिल्ड्रन डोंट इवन थिंक उनको करना क्या है, पेरेंट्स जो बोलते कर जाते हैं। काफ़ी लोग जॉब में या बिजनेस में लैंड अप हो गए हैं आउट ऑफ डेस्टिनी, सो इवन दे डोंट नो कि वो कैसे लैंड अप हुए। विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड विद द कोविड डेज दैट वी हैव सीन, मुझे ऐसा लगा कि यू नो प्रूफ, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर प्रूफिंग योर करियर, इट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप जहाँ पे भी है, इट्स ओके। आई मीन इफ यू आर एंजॉइंग एंड इफ यू आर नॉट इवन एंजॉइंग योर जॉब, दैट्स ओके। दैट्स अभी वो ना वो जरूरी नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगता है। Guys, to be very frank and very practical, earning money is important, yes, right? That's true. At first place. Right. Another is that we look for our passion. Abhi bachcho ko suddenly aa gaya, I want to, you know, main to mera job main passion wala karunga, I should be passionate about this thing, I'll turn my passion into profession. Very true. All taken care of. Theek hai bhai. Right? But ultimately, when we talk about future-proofing something, these are the things that we should adopt in ourselves. हमारे में वो skills और abilities हमको डालना चाहिए। फिर आप एक anchor हो, आप एक soft skills trainer हो, आप एक cameraman, आप cinematographer हो, आप dancer, choreographer, doctor, engineer, आप जो हो, जो हम लोग आज discuss करने वाले हैं, वो आप इस समय बाद, अभी COVID times आ जाए या कुछ भी आ जाए, आप फिर भी मार्केट में, आप सोसाइटी में किस तरीके से टिके रहोगे, हम आज उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो बहुत सही कहा तुमने कि जहाँ हो जैसे हो उसे पैशनेटली फॉलो करो। और आज की जनरेशन को मैं भी बार बार ये कहती हूँ कि आज की जनरेशन बहुत जल्दी फ्लिप करती है, राइट? कन्फ्यूजन बहुत जल्दी होता है, मे बी एक छोटा सा फेलियर उन्हें फ्लिप करने पर मजबूर कर देता है या फिर उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। देयर वाज अ टाइम, बार बार ये कहना ज़रूरी है क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं। हम स्टिक करते थे कुछ चीज़ों पर, बट आज की जनरेशन स्टिक नहीं करती है, एक चीज से दूसरी तरफ मुड़ने में बहुत जल्दी, यानी अपना करियर जो है बहुत जल्दी चेंज कर देती है। लेकिन अगर हमें फ्यूचर प्रूफ करना है अपने करियर को, द फर्स्ट स्टेप शुड बी, सो पहले जो था ना, पहले ऐसा होता था कि कहते थे कि आप एक इसमें आपने अच्छा होना चाहिए, बाकी चीजें आपको नहीं आई तो चाहिए, आपको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो भैया आपने अगर डॉक्टरी ले लिया, गायनेकोलॉजिस्ट, उसमें फिर MD करो, है ना, होम्योपैथी ले ली उसमें MD करो। अब ऐसा हो गया है कि द टाइम हैज़ गॉन, अभी एक स्पेशलाइजेशन से आप नहीं टिक पाओगे, आपके पास अब बहुत वेरिड यू नो स्किल्स होनी चाहिए और कैपेसिटीज होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक नर्स है, मुझे ऐसा लगता है कि एक नर्स को थोड़ा सा फाइनेंसेस और बिजनेस फाइनेंसेस का भी आइडिया होना चाहिए। उसको अगर एक रिसेप्शनिस्ट है, हम छोटे लेवल पे चलते हैं, एक फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट है, अगर उसको ये पता है कि मैं बैकग्राउंड एडमिन का भी काम देख सकती हूँ, क्या मुझे फाइनेंशियल समझती है, क्या अकाउंट्स थोड़ा बहुत देख सकती हूँ, क्या यू नो व्हाट, एक नॉर्मल एग्जाम्पल ऑफ रिसेप्शनिस्ट का ले लो, शी डाइज एज अ रिसेप्शनिस्ट। Why can't a front girl जिसने करियर स्टार्ट किया, क्योंकि उसको फाइनेंशियल नीड के वजह से, फैमिली के वजह से उसको जॉब ज्वाइन करनी पड़ी, ठीक है, तो उसने एक जॉब शुरू किया और वो 10 साल से रिसेप्शनिस्ट ही है। Why can't you be, you know, go into getting admin and then getting into HR? ये तीनों एक ही है, right? There are possibilities. There are a lot of possibility. पर क्योंकि माइंडसेट है
एक ही करना है. राइट. अगर मैं एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ, ठीक है, तो मैं कितनी वैरायटी ऑफ चीजें कर सकती हूँ मुझे सोचना पड़ेगा. वी हैव ऑल हर्ड अभी पोस्ट कोविड टाइम जहाँ पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं, आई मीन एवरीथिंग हैज इंक्रीज, डू यू थिंक वन इनकम विल डू फॉर यू? नो. राइट. सो आप जॉब पे रहो, आप बिजनेस करो, मल्टीपल चीजें आपको आनी चाहिए. सो दिस इज वन थिंग यूजिंग बीइंग टेक सैवी विल हेल्प अस टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ थिंग्स. राइट. यूजिंग मोबाइल फोन्स इन अ राइट वे टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस. कोविड के वजह से आईटी इंडस्ट्री को बूम मिला. राइट. अब ऑफलाइन शुरू हो गया तो हर चीज को बूम आने लग गया है. राइट. अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोविड के टाइम पे लोग घर पे बैठे थे, बट टेक्नोलॉजी के वजह से क्या हुआ, चीजें जो लोग टेक्नोलॉजी यूज कर पाए वो आगे बढ़ पाए, जो लोग नहीं यूज कर पाए वो बैठे रह गए. राइट. सो दिस इज वन थिंग, टेक्नो सैवी इज द फर्स्ट पॉइंट. टेक्निकल स्किल्स एंड इफ वी टॉक अबाउट करंट टेक्निकल स्किल्स, हमें अपने आप को किस तरह पुश करना चाहिए इन चीजों के लिए? You just go and look for what is required. ठीक है. जैसे अगर आप सपोज हम स्किल सेट की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं जो भी प्रोफेशन में हूँ, मुझे और क्या स्किल सेट्स आनी चाहिए? ठीक है. मेरे खुद के इंटरेस्ट क्या है? पैशन से पैसा कमाना मुश्किल है, बट पैशन से एक्स्ट्रा इनकम कमाना आसान है. तो अगर आप एक जॉब कर रहे हैं जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, व्हाट अबाउट योर पैशन एंड हॉबीज? क्या आपने टेक्निकल टेक्नोलॉजी को यूज करके आप सोशल मीडिया पे लोगों के इंस्टा रील्स फेसबुक देख रहे हो, खुद के क्यों नहीं बना रहे हो? खुद क्यों नहीं सीखते हो कि वीडियोस कैसे बनाना, रील्स कैसे बनाना और अपना बिजनेस उसमें कैसे दिखाना? अभी तुम जीरो इनकम अर्न कर रहे हो, यू नेवर नो, कभी आपका कॉन्सेप्ट चल जाए ऑनलाइन में और आप उसमें से सेकंड इनकम रेडी करना शुरू करो. सो मुझे ऐसा लगता है स्किल्स और कैपेसिटीज भी बढ़ाना, अदर देन दैट लाइक यू स्टार्टेड विद द स्पोकन इंग्लिश क्लास, इट्स अ प्रूफ नाउ आपको इंग्लिश आना जरूरी है. अगर आपको बाइलिंगुअल दो तीन चार लैंग्वेज सीखने की जरूरत लगती है अदर देन योर नेटिव लैंग्वेज, अगर यू नो इंग्लिश को बहुत एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह देखा जाता है, नहीं, डोंट डू दैट. ठीक है, आपका कम्युनिकेशन बेटर करो, नॉट अबाउट इंग्लिश. क्या आप नॉर्मली किसी से भी स्ट्रेंजर से बात कर पाते हो? आर यू कंफर्टेबल इन टॉकिंग? सो आप कितने एनी लैंग्वेज, हाउ आर यू कंफर्टेबल इन कम्युनिकेटिंग एनी वन? और अगर आपका जॉब किसी टाइम पर आपको कम्युनिकेशन, अगर देखो यार एक रिसेप्शन वाला बंदा ये सोचता है कि मैंने एडमिन में और एचआर में जाना है, तो उसके स्किल सेट में क्या बढ़ जाएगा? ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी. आपको क्या दिक्कत है उसको बढ़ाने में? अगर आपको फ्यूचर प्रूफ करियर करना है तो टेक्नोलॉजी को आपको कैसे ऑब्जर्व करना है? अपने जॉब को, अपने आजू बाजू के जो एटमोसफियर एनवायरमेंट, जो चेंज, स्कैनिंग द एनवायरनमेंट इज अनदर पॉइंट देयर एंड फ्यूचर प्रूफिंग योर करियर. आप कैसे स्कैन करके अपने आप को उस एनवायरनमेंट के लिए यू नो आप रेडी कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, दैट्स वेरी ट्रू. नाउ माय पॉइंट इज कि अब जैसे कि टेक सैवी हर कोई बन रहा है, दैट्स ट्रू ऑनलाइन या कोविड के बाद हम कहें या कोविड के वजह से कहें कि पीपल हैव स्टार्टेड फाइंडिंग देमसेल्फ, हो सकता है एक्सप्लोरिंग देमसेल्फ ये इंटरनेट के थ्रू, ये इंटरनेट की दुनिया को जानने लगे और वो बहुत सी चीज़ें करने भी लगे हैं, बहुत से लोगों के प्रोफेशंस भी अब आगे आ गए हैं. यहाँ पर क्या एक अकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना और उन्हें हायर करना, इज दैट टोटली इम्पॉर्टेंट? नो, आई वोंट टेक दिस इन दैट वे. अकेडमी ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली, देखो जब हम सही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, अभी देखो when you take in a admission in a good college, if you are blessed to do, go for that, to aapko sochna nahi. You however get placed into a good company. With now what is academy organization in first place? Academy organization means jahan pe aapko training, wahan pe training aur development mein zyada dhyan diya ja raha hai. True. So big MNCs like all the MNCs do all have all of these things. To wo chhod do. Okay. Ab suppose jo bacche hai jo hamare Vidarbh ke hi chote mote college se pad rahe hai, jahan pe shayad placement itna acha नहीं मिलता होगा, ठीक है. अब उनको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि भाई जिधर भी मैं जा रहा हूँ, क्या वहां पर मुझे ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या? ओके. ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी इन सेंस कि आज इज द कंपनी वर्किंग ऑन देयर एम्प्लॉइज, वर्किंग ऑन द ग्रूमिंग ऑफ द एम्प्लॉइज. इफ आई एम एन अकाउंटेंट, आई हैव जॉइंट एज एन अकाउंटेंट, तो क्या मुझे प्रोत्साहित किया जा रहा है कि मेरे को टैली नहीं आती तो जाओ तुम टैली सीख के आओ, या हम तुम्हारे लिए ट्रेनिंग दिलवा देते हैं बाहर से? लाइक इवन आई एम अ ट्रेनर,
I go to corporates and train them. So I feel good for those employees. I feel that I always say these employees that you are lucky. और नागपुर जैसे region में जहाँ पर training को बहुत महत्व नहीं है, वहाँ पे जब हम trainers को hire किया जाता है कि उनका आप you know communication build up कर दो या जो भी कुछ है उनका leadership build up कर दो, तो I always say these employees कि you are lucky कि आप training मिल रहा है आपको ये सब का, because the organization is growing you, because they want to grow. Ultimately you are growing. Actually yes. And employees इसको ego पे लेते हैं कि हमको ट्रेनिंग में बिठा दिया. Why? You are future proofing your career. Exploring yourself. आप 10 साल आगे का सोचो कि मुझे मार्केट में टिका रहना है. राइट. आप अल्टीमेटली यू शुड डाई हैविंग मनी इन योर हैंड, लॉट्स ऑफ हैंडसम ऑफ मनी इन योर हैंड. व्हाट्स रॉन्ग इन अर्निंग मनी? फॉर दैट यू शुड हैव ऑल दिस स्किल्स. आई एग्री. कहीं ना कहीं स्किल्स को डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू सेड, राइट? क्योंकि स्किल्स को आप जब तक डेवलप नहीं करोगे, आपको आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड करने की बहुत ज़रूरत है. सो हाउ टू डेवलप आर स्किल्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू फ्यूचर प्रूफ योर करियर? या सो इफ यू वॉन्ट टू डेवलप योर स्किल्स, सो सपोज ओके लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी प्रोफेशन. ठीक है. ओके. मेरा ये प्रोफेशन है, मैं ये मेरा जॉब प्रोफाइल है, मैं ये काम करती हूँ. ठीक है. सीधी बात है. नाउ व्हाट एम आई, वेयर एम आई, आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन. ठीक है. हैव अ जर्नलिंग टेक्निक. नाउ व्हाट्स अ जर्नलिंग टेक्निक? टेक अ पेन, टेक अ बुक. ठीक है. दैट शुड बी अ पर्सनल बुक, जिसको जर्नल कहते हैं, ग्रेटिट्यूड बुक बोलो या नोट बुक बोलो, दैट शुड बी. जैसे माई नेम इज रुतिका, सो व्हाट आर रुतिका मेशकर का ये बुक है. ये बुक मेरा ग्रंथ होना चाहिए. तो बहुत लोगों को आदत होती है पोएट्री लिखते तो वो एक बुक में लिखते हैं. बस सेम वैसी. तो आपका बुक आप अपने पास रखो, फिर आप अपने आप को पूछो, बात करो अपने बुक से, अपने आप से बात करो, उसमें लिखो कि आज मैं क्या हूँ, मुझे आगे क्या जाना है. ठीक है. जो मैं हूँ, मुझे आगे जो जाना है, 10 साल बाद, स्ट्रेट 10 years डाउन द लाइन, थिंक ऑफ दैट. मुझे यहाँ जाना है, यहाँ मैं हूँ, यहाँ पहुंचने के लिए मुझे क्या चीजें लगेगी. व्हेन यू डू दिस, अब आपका मेजरमेंट शुरू हो गया. तो एक मैंने सपोज मुझे एक बच्चा है जिसको फैशन डिजाइनर बनना है. वो फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है. ठीक है. अब वो बैठा है, कॉलेज सिखाएगा. सच में कॉलेज नहीं सिखा पाता है, बच्चे को सीखना होता है. राइट. अब एक गर्ल है और एक बी गर्ल है. ए खुद से क्यूरियस होके लॉट ऑफ डिजाइन शी कम्स अप विद एंड शी हैज क्रिएटिव आइडियाज इन अ माइंड. उसके दिमाग में चीजें चलती है, मैं ऐसा ड्रेस सिल लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, और ये बैठी कॉलेज के भरोसे पे. ठीक है. अब बहुत सीधी बात है, कौन ग्रो करेगा इसमें? अब सपोज मैं एक फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में हूँ, तो मैं टेलर ही हूँ फिलहाल. मुझे एक फैशन डिजाइनर बनना है ना अभी. इसकी जर्नी कैसे क्रॉस होगी? तो अगर मैं एक टेलर हूँ, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? हाई क्लाइंट्स, गुड क्लाइंट्स, मुझे पैसे देने वाले क्लाइंट्स, मेरी क्रिएटिविटी, मुझे पैसे मांगते आना चाहिए, मुझे मटेरियल और वो सारी चीज़ें समझते आना चाहिए, मेरे खुद के लुक्स इस हिसाब से चेंज होने चाहिए. गैप पता चल गया. अब गैप क्या है? पहले मैं अपनी क्रिएटिविटी पे वर्किंग करूँ, पहले अपने मैं लुक्स पे वर्किंग करूँ, अपने काम पे वर्किंग करूँ, इसकी मार्केटिंग पे वर्किंग करूँ, मार्केटिंग पे वर्किंग करते करते मैं इसके प्राइस टैग्स डिसाइड करूँ, प्राइस टैग्स डिसाइड करते करते मैं लोगों को अप्रोच करूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस नेटवर्किंग, ये सारा डेवलप करूँ, और उसके बाद मैं फैशन डिजाइनिंग के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच गई हूँ. देन देर इज नो लुकिंग बैक, देन थिंग्स विल कम टू यू. ये हो गया आप जॉब बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो. सेम एज जॉब, इफ आई हैव जॉइंट हियर देयर एज अ फ्रेशर, 10 years डाउन द लाइन मुझे क्या देखना है अपने आपको? मैनेजरियल पोजिशन पे या उससे बेटर पोजिशन पे? अब मैं क्या हूँ, तब मुझे क्या रहना है, वही गैप फिल कर दो. सिंपल. सोच बड़ी होनी बहुत जरूरी है. एंड इसके लिए वी से दैट वी शुड थिंक ग्लोबली. माई अनदर पॉइंट कम्स टू रुतिका, थिंक ग्लोबली. हाउ टू थिंक ग्लोबली? इन द सेम वे, लाइक मुझे अगर पता है 10 years डाउन द लाइन, ठीक है, अगर द सेम एग्जाम्पल अगेन, फैशन डिजाइनर, ठीक है, सो ओ माई रिलेटिव ऑल्सो स्टे आउटसाइड इंडिया, राइट? वाई कांट आई बिल्ड अप इंडो वेस्टर्न्स जो वहां पर भी चल जाए? और मैं ऐसे तो कोई कुरियर सर्विस शुरू कर दूं जो मैं वहां पे भी शुरू कर पाऊं. मेरी एक कोई सिस्टर वहां पे है, वो मेरा वहां पे एक ब्रांच ओपन है, फ्रेंचाइजी ओपन कर ले, मैं यहां से, समथिंग कैन बी डन. आप जब आप सोचते हो कि यार मुझे टिके रहना है, राइट, जब तक हम सिर्फ अगर अपने रीजन का सोचेंगे, आप अगेन एज यू सेड बड़ा सोचो, राइट, तो हम छोटा सोच रहे. अगर मैं इंटरनेशनल पे सोचूंगी तो नेशनल तो कवर कर लूं, राइट? अगर आप नेशनल का सोचते हो ना, तो आप अपने विदर्भ रीजन पे आ जाओगे. तो थोड़ा सा
क्या कह सकते हैं आप, अपने रीजन से बाहर का सोचो तो उससे वो रीजन तक पहुंच पाओगे। ओके ओके, ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो गया है कॉन्टैक्ट्स बनाना। आपके आपके कॉन्टैक्ट्स उतने होने चाहिए, ग्लोबल तरीके से होने चाहिए, चीज़ें किस तरह से सीखनी है वो बहुत ज़रूरी है। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, इस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है? थिंक ग्लोबली की बात करते हैं कि हमें ग्लोबली सोचना है, तो व्हाट आर द पॉइंट्स वी शुड फोकस ऑन? अगर ग्लोबली सोचना है तो सबसे पहले, अगर मुझे बहुत सीधा है मुझे ग्लोबली जाना है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। दूसरा, ग्लोबली जाना है, डू आई हैव एनी आइडिया ऑफ रीचिंग ग्लोबली, ठीक है। ओके, सो यू आर इन अ जॉब एंड यू आर इन अकेडमी ऑर्गेनाइजेशन अगेन जहाँ पे, और आपके जॉब में ही इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, तो क्या आप अपने मीटिंग्स में उस तरीके से प्रेजेंटेशंस दे पा रहे हो? अपने बॉसेस से, अपने मैनेजर्स से क्या आप उस तरीके से बात कर रहे हो? आर यू एबल टू प्रेजेंट एंड डू, मतलब क्या आप अगर जॉब में है तो आर यू डूइंग जस्टिस टू योर जॉब? अगर आप फ्रीलांसिंग या बिजनेस में, आर यू डूइंग जस्टिस टू योर ओन वर्क, ठीक है? आर यू बिल्डिंग ऑल दो स्किल सेट एंड कैपेबिलिटीज विच यू वॉन्ट टू गो टू ग्लोबल? सपोज अगर मुझे भी अगर इंटरनेशनल जाना है, जो मैं आई एम ऑलरेडी देर, हाउ कैन आई स्पीक फॉर 8 कंप्लीट आवर्स इन इंग्लिश इज द क्वेश्चन, राइट? Can I think of intercultural communication? So because if I am talking to an American guy, yeah, the guy from Dubai, मुझे आई शुड बी प्रिपेयर कि एक्सेंट डिफर होगा, राइट? एक्सेंट अगर डिफर होना है तो मेरा लिसनिंग स्किल पहले इम्प्रूव्ड हो जाना चाहिए, बिकॉज अगर मुझे लिसनिंग मेरा क्लियर नहीं है, मैं घूम जाऊंगी उनके एक्सेंट में और मैं कहाँ कम्युनिकेट कर पाऊंगी? एज पर आर नीड्स वी शुड नो वेयर शुड आई वॉन्ट टू वेयर आई नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन, ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली आपके हर सेगमेंट में आपको इम्प्रोवाइज करते रहना है, राइट? और उसके लिए अगेन आई रिपीट की जर्नलिंग टेक्निक आपको ऑब्जर्व के लिए ज्यादा काम में आएगा। यहाँ पर वी शुड नो हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल नेटवर्क, बिकॉज दैट व्हाट कम्स नेक्स्ट एंड दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट? इफ यू वांट टू थिंक ग्लोबली, इफ यू वांट टू वर्क ग्लोबली, वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मीनाक्षी, क्योंकि ओके, वी अगेन टेक अ जॉब एंड अ बिजनेस पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। जॉब वाले पहली कंपनी छोड़ दी, एक तो ना कांड करके छोड़ते, दे डू समथिंग, दे गो इन टू लॉट ऑफ ट्रबल, और फिर वो या तो एब्सकॉन्ड हो जाते हैं या फिर दे डोंट कीप एनी रिलेशनशिप विद द प्रीवियस कंपनी। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, ठीक है? हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स वेयर एवर यू गो। दुनिया छोटी है, देख लिया अब तो कोविड टाइम्स में, ठीक है? यू नेवर नो कि मुझे ये 10 साल बाद, ये हम लोग आज मिल रहे हैं, हमारा झगड़ा हो गया, यू नेवर नो 10 साल बाद हाउ हम लोग सामने आ जाए, राइट? इफ यू हैव गुड रिलेशनशिप, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जॉब, फॉर द पीपल हु आर वर्किंग समवेयर, हैव गुड नेटवर्क विद योर एक्स कॉलीग्स, विद योर कॉलीग्स। अपने रिसेंट कंपनी में भी आप अपने रिलेशनशिप्स पहले अच्छे रखो, नेटवर्क अच्छे रखो, दीज आर फॉर द जॉब पीपल। प्लीज सोशल गैदरिंग्स में जाओ, प्लीज लोगों से मिलो। अभी नहीं चलेगा आपका घर पे बैठना, कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज्ड, बहुत लोग हैं जिनको जॉब चाहिए है, बहुत कंपनीज है जिनको इनको निकाल कर दूसरे को लेने के लिए वो रेडी है, राइट? तो सोशल हो जाओ पहले, तो ये हो गया जॉब लोगों के लिए कि आप अपने अपने ही लोगों में ना रिलेशनशिप्स अच्छे रखो, क्योंकि आपको कब कौन काम में आ जाएगा यू नेवर नो। एक्चुअली इन द सेम वे, सपोज समबडी एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन स्टार्टअप, राइट? अ फ्रीलांसर वांट्स टू स्टार्ट द ओन थिंग। अब मुझे करना क्या है? नाउ आई द फर्स्ट थिंग, द इमीडिएट थिंग शुड बी मेरे नेटवर्क्स। पहले अपने क्लोज नेटवर्क्स में देखो कि किनको मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ। अच्छा, मैंने क्या इतने रिलेशनशिप्स रखी भी हूँ कि मैं उनको अब काम के लिए, आपको भी ये बहुत बार रियलाइज हुआ होगा कि मेरे से इनने कांटेक्ट रखे नहीं, सडनली इनको काम है तो मुझको फोन कर रहे हैं। एंड इट हैपेंस व्हेन समवन कॉल्स अस, सो वी फर्स्टली आस्क कि हां कुछ काम होगा, तुमने इतना कमाया कॉन्टैक्ट और इनको मैनर्स नहीं और अपने कॉन्टैक्ट दे दोगे नहीं। सो आप बिना मतलब के लोगों से कॉन्टैक्ट रखो, मिलो अच्छे से, अदब से बात करो। दिस इज द इजिएस्ट थिंग दैट यू कैन डू, दिस इज वन पार्ट वर्क फॉर यू विच विल वर्क मिरेकल्स फॉर यू। अनदर इज देन यू गो एंड जॉइन बिजनेस फोरम्स। बहुत सारे बिजनेस फोरम्स होते हैं, उधर जाओ, मिलो लोगों से, बात करो। आपको जितना आपका प्रोफेशनल एक्सपैंड होगा, जबरदस्ती सपोज एक किसी को ब्यूटिशियन को एक अपना सैलॉन ओपन करना है, जबरदस्ती जाके 4 सैलॉन्स में जाके उनके ओनर्स से उधर उधर जाके बात करो, जाके बात करो, 4 जगह ट्रीटमेंट कराओ, ठीक है? व्हेन यू एक्सपैंड
एंड फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग्स कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, राइट नियत इज रिक्वायर्ड. आप जब ये करोगे इट विल ग्रो. Yeah, I think that will help you to able to learn something new and explore something new, and after that you must be able to keep a healthy relationship. Yes. Because these healthy relationship will be helping you in your future. You know, never know ki exactly aage kaun kya kab kaam aane wala hai. As you said ki success journal बना के रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड रादर से कि आजकल की जनरेशन ये बहुत करती भी है. देयर इज अ थिंग कॉल्ड बकेट लिस्ट. आज की जनरेशन बकेट लिस्ट बनाती है, एक सक्सेस जर्नल भी बहुत लोग बनाते हैं, बट टू मेंटेन दैट सक्सेस जर्नल इज एज इम्पॉर्टेंट एज क्रिएटिंग वन, राइट? बिकॉज हम बना तो लेते हैं, हम उन्हें मैनेज नहीं कर पाते या फिर उन्हें मेंटेन नहीं कर पाते, एंड एट सम और द अदर डे वो टूट सा जाता है. सो हाउ टू मेंटेन दैट अ सक्सेस जर्नल शुड बी मेंटेन एंड व्हाट पॉइंट्स वी शुड कवर इन दैट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बीइंग गेटिंग टू रिजल्ट पार्ट. ठीक है, अगेन अगर मुझे सक्सेस जर्नल, सबसे पहली बात मुझे सक्सेस जर्नल मेंटेन क्यों करना है, द व्हाई हैज टू बी वेरी क्लियर, राइट? अब मुझे सपोज मैं वर्किंग हूँ, मुझे सक्सेस जर्नल इसने मेंटेन करना है कि इफ आई स्विच इन अनदर कंपनी आई शुड, देखो रिज्यूम बनाते समय ना आपको तुरंत सारे पॉइंट्स नहीं याद आएंगे, करेक्ट, राइट? तो अगर आपके पास चीजें लिखी हुई होगी तो आपने क्या करना है, यहाँ से उठाकर अकम्प्लिशमेंट्स आपके रिज्यूम में डाल देने, इसलिए आप सक्सेस जर्नल बनाओ तो मेंटेन रहेगा. टुडे अचीव्ड, ओ टुडे आई हैड दिस इंटरव्यू विद दिस गर्ल, राइट, विद दिस KB News, right? Now this is, I had this second, this topic. If I have this written in my success journal, aage socho Meenakshi, if I 10 years down the line, whenever I want to write where I have been broadcasted, kitne interviews maine diye, I have the list with me, 10 saal baad mujhe aaj ka yaad nahi rehne wala din. I have written in it, theek hai? This is for job people, ki aapko agar jaake switch karni company, you have the chota bada, sara success written in the book, आपको सिर्फ वहां पर उठाना है. आप बिना ज्यादा टेंशन के आप अपना रेज्यूम फट से बनाकर, आप बेसिकली इससे होता है कि यू रिमेन वेरी कॉन्फिडेंट. दिस इज वन पार्ट. अनदर, अब सपोज समबडी इज एन एंटरप्रेन्योर या बिजनेस पर्सन है और उनको सक्सेस जर्नल मेंटेन करना है, क्यों नहीं करना है? आप यू नेवर नो आप कब एलन मस्क बन जाओ, राइट? एंड इफ यू पीपल हैव ऑल ऑफ दिस इन योर हैंड, व्हाट डू यू थिंक, डू पीपल मार्केट यू एट स्टार्ट? नो, इट इज यू हु मार्केट, यू हैव टू सेल्फ मार्केट योर सेल्फ. तो आप सेल्फ मार्केट कैसे करोगे व्हेन यू नो मैंने इतना सब किया है, मैं लिखते रहूंगी, मेरे सबकॉन्शियस में फिट रहेगा, मैं कंटिन्यू चार लोगों को बोलूंगी मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो चार लोग उनको बताएंगे अरे इन्हें ये किया, उन्होंने वो किया, और मार्केट ऐसा डेवलप होगा और मेरा नाम वैसे बनेगा. आई होप यू हैव गॉट गुड रीजन कि मेंटेन कैसे करना सक्सेस जर्नल. कहीं ना कहीं आफ्टर क्रॉसिंग ऑल दीज थिंग्स, आफ्टर मेंटेनिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप, आफ्टर मेंटेनिंग अ गुड सक्सेस जर्नल, देयर कम्स अ करियर पाथ. नाउ करियर पाथ को किस तरह फॉलो किया जा सकता है और किस तरह इसे मेंटेन किया जा सकता है? हाँ, गुड. सो अगेन 10 ईयर्स डाउन द लाइन, मैं पहले कहाँ थी, अभी मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट वन, अर्निंग मनी, सेकंड जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है? जॉब सेटिस्फैक्शन इज अ रॉन्ग वर्ड, बीइंग हैप्पी इन द जॉब इज द राइट वर्ड, राइट? अगर ये मुझे पता है, करियर पाथ कुछ नहीं होता है, करियर पाथ मेरे हिसाब से ये होता है कि इफ आई एम हैविंग ऑन रोल मेरे पास काम आ रहा है, और प्लीज अंडरस्टैंड काम आना और उसके साथ पैसा आना ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है? नहीं तो लोग पैशन के लिए काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली लुकिंग गेटिंग बैक सीइंग द अकाउंट्स, अरे एंड देन यू सी देन यू पीपल से कि मेरे रिलेटिव्स डोंट सपोर्ट मी, मेरे घर वाले डोंट सपोर्ट मी, हाउ विल यू ईट, है ना? तो वही बात हो गई, प्यार से पेट नहीं भरता था, ठीक है? सो आर यू श्योर यू रनिंग आउट बिहाइंड योर पैशन, राइट? सो इवन इफ यू आर डूइंग दैट, इट्स ओके. करियर पाथ सिलेक्ट करना है, प्लीज सी कि हैविंग बीइंग हैप्पी इन द जॉब अलॉन्ग विथ अर्निंग मनी एंड बी लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, आर यू कंफर्टेबल इन योर लाइफ, राइट? इफ आई लीव माई होम एंड गो टू द ऑफिस, एम आई गोइंग कंफर्टेबली? क्या मेरे पास उतना कंफर्ट है वहां पहुंचने का? इफ यस 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 टू ऑल योर क्वेश्चंस, यू आर इन अ राइट पाथ, राइट? राइट. एंड द की इज 10 इयर्स डाउन द लाइन, सोचो, यू विल गेट योर आंसर्स, राइट? बट नाउ कम्स रुदिका की दैट एनवायरमेंट इज लाइक, कि बहुत बार ऐसा होता है कि वी गेट ट्रैक्ड बाय कहीं ना कहीं, ठीक है?
तो ये एनवायरनमेंट को स्कैन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल अराउंड अस राइट. द एनवायरनमेंट मे बी हेल्दी, इट मे बी अनहेल्दी फॉर सम पीपल. तो हाउ टू स्कैन दिस एनवायरनमेंट बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे वी शुड हैव अ क्लियर पाथ. सो द सेम स्कैनिंग द एनवायरनमेंट इज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जैसे प्री कोविड लोग दौड़ रहे थे, सब कुछ कुछ कर रहे थे, है ना, पैशन वैशन लोगों के दिमाग में चढ़ गया था. सडनली कोविड हिट हुआ, कितने लोगों के काम बंद हो गए, राइट, ठीक है, दैट्स ओके. पैशन के पीछे भागना, आर यू स्कैनिंग द एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली, ठीक है, जो मेरा काम है क्या वो मुझे अर्न करके दे रहा है उतना कि जो मुझे रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड चीज़ें हैं क्या वो मुझे दे रहा है. तो स्कैनिंग एनवायरनमेंट इज बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, यस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एवरीथिंग, आई मीन, है ना, एंड सब कोविड में. सो द पीपल जिनका ये सैनिटाइजर का बिजनेस वगैरह नहीं था, उन्होंने जब शुरू किया, दे स्कैन द एनवायरनमेंट, वो लखपति बन गए उतने ही स्पैन में. सो हाउ हैज दैट हैपेंड विद द स्कैनिंग द एनवायरनमेंट. सो इफ आई हैव टू थ्री ऑप्शंस अवेलेबल एज अ स्किल सेट विद मी ना, एक नहीं चला तो दूसरा है, दूसरा नहीं चला तो तीसरा है. इसलिए यू शुड बी हैविंग ऑल द स्किल सेट. After having so much of knowledge from your side, मतलब I am so happy कि some of the points are clear from my side for myself, but for the students, for the viewers who are watching us, उनके लिए what you would say, एक message what you're gonna have. Yes. For our audience. Yes. So for all of you, I would like to say this is a repetitive point. Please have goals in your life. अगर आपके पास गोल नहीं है, दैट्स ओके. आपके पास सिर्फ इतना विजन होना चाहिए, विजन भी नहीं है, दैट्स ओके. 10 साल बाद मुझे कैसे दिखना है, क्या आपको ये सवाल आता है? और अगर नहीं आता है तो ये पूछना शुरू कर दो, 10 साल बाद मैंने दिखना कैसे है, मैंने कैसे दिखना है, मैं कपड़े से लेकर द डिटेलिंग, राइट, आई मीन आई अंडरस्टैंड सारे विजनरीज नहीं हो सकते, बट क्या हम लोग ये देख सकते कि 10 साल बाद मैं उस रास्ते से जब गुजरूंगा तो विल आई हैव अ कार, Will I be wearing blazers? Will I be wearing the same clothes that I'm wearing now? क्या आप डिटेल में देख सकते हो? अगर देख सकते हो, गुड, उतना ही देखो और वो अचीव करने के लिए अब आगे आप जो कर रहे हो उसमें अपने आप को ग्रूम करो. अगर आप हर महीने अपने आप को एक ही पोजिशन पर पा रहे हो, प्लीज़ बी अनहैप्पी, डू नॉट बी सैटिस्फाइड, बी हैप्पी और बी अनहैप्पी. दैट्स दीज आर द ओनली टू सिचुएशंस दैट आई वॉन्ट टू गिव फ्रॉम माई साइड टू यू, ठीक है. इफ़ यू आर हैप्पी, गुड इनफ. इफ यू आर नॉट हैप्पी, please search something which will make you happy. Thank you so much, Ritika, for your precious time and for all these knowledge. मैं आप दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी ऐसी ही ज्ञान भरी भाषा और ज्ञान भरी चीज़ें सीखना चाहते हैं, if you want to learn something new and if you want to focus on your career और आप बहुत confused हैं, then do contact Ritika Maheshkar because she is fantastic at her job. अगर आप English भी सीखना चाहते हैं, because मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सीखने के लिए कोई age नहीं होती, there is no age. एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, सो यू कैन लर्न एट एनी एज. आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं विद सम ईजी टेक्निक्स, इफ़ यू वॉन्ट टू फोकस ऑन योर करियर, इफ यू आर कन्फ्यूज विद योर करियर, डू कॉन्टैक्ट रुतिका मेशकर. द डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन, आप कॉन्टैक्ट कीजिए. और जैसे कि रुतिका ने कहा कि गोल्स हाई होना बहुत ज़रूरी है. लोग कहते हैं कि बहुत ऊंचा सोचते हो, लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहेंगे, बट आपका ऊंचा सोचना बहुत ज़रूरी है, आपका बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है. अगर एक फेलियर है तो ट्रैक बदल के देखिए, शायद वहाँ पर कुछ अच्छा मिल जाए. मेरी फेवरेट लाइन्स है फ्रॉम द फिल्म 3 Idiots सॉन्ग, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू ग्रो अप वंस अगेन. यू विल डेफिनेटली गोना ग्रो वंस अगेन. दिस इज मीनाक्षी साइनिंग ऑफ. मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.